जहाँ जहाँ बैठे जो कोई साथी सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और फिर हम सभी साथी निर्मल बन जाएंगे और भारत माता की एक चीज सारे सुनेंगे। गोपाल जी आपको बताएंगे फिर से मेंबर आप ये डालने के बाद फोटो आने के बाद नंबर बनेंगे जब ए नंबर डाल के बनाए 9 8 4 80 नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, रविंद्र रैना जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिस तरीके से देश और दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए आज हर वर्ग के लोग हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, जिसकी मिसाल आज कठुआ के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी और हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर साथी हैं कठुआ के, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जॉइनिंग हो रही है और इस जॉइनिंग के मौके पे हमारे जॉइनिंग टीम के जो मेंबर हैं नलवा साहब रंजोत नलवा जी, नेहा महाजन जी, हमारे साथी जोरावर सिंह जी हैं, हमारे एक्स मेयर डिप्टी मेयर बलोरिया साहब हैं और हमारी कठुआ की पूरी टीम की अगुवाई में आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जो कठुआ के अंदर हो रही है। हम सभी साथियों का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और इस ज्वाइनिंग से ये साफ और सीधा संदेश है कि तूफान नहीं सुनामी आएगी भारतीय जनता पार्टी की, आने वाले चुनाव में 400 पार का जो नारा दिया है उसको, उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। लगातार ये हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये अपने मुंह से बोलते हैं, आप लोगों का एक उत्साह देखिए, जॉइनिंग का एक इशू है, दूसरा उत्साह जिसका खासकर हमारी एसटी बरादरी के अंदर है, एससी बरादरी के अंदर है, अपर कास्ट के अंदर है, माइनॉरिटीज के अंदर है, हर वर्ग के लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने। और मैं सभी साथियों को ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहता है वो एक नंबर डायल करेगा तभी कार्यकर्ता बनेगा। नंबर ध्यान से सुनेंगे 8980808080, 4 बारी 80 और पहले 89, तो ये इसको मिस कॉल करेंगे और आप घर बैठे भी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। और जब आप मेंबर बनेंगे आप अपने आप में एक उत्साहित महसूस करेंगे, अपने आप को एक गौरवशाली महसूस करेंगे कि दुनिया के बड़े सबसे बड़े संगठन के हम मेंबर बने हैं और जिसकी अगुवाई मोदी साहब कर रहे हैं उसके हम मेंबर बने हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं इसका मेंबर बनके मोदी साहब को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए और देश प्रदेश के अंदर हमारे रविंदर रैना जी के हाथ मजबूत करेंगे और जिला कठुआ के अंदर हम गोपाल महाजन जी के हाथ मजबूत करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अज मैं थोड़ा सारे का साढ़े भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी आए और अज बड़े इस खुशी के मौके पर मेरे कन्ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता आदरणीय साढ़े बलवंत सिंह मलकोटिया साहब, पूर्व च MLA साहब भी रहे साढ़े और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता और पार्टी के जोड़े ज्वाइनिंग के कार्यक्रम साढ़े प्रदेश के इंचार्ज ने, उन्हें साढ़े नलवा साहब जो मराठी मोर्चा के साढ़े स्टेट के प्रेजिडेंट भी हैं
और साढ़े इंचार्ज भी हैं इस कार्यक्रम के। और जम्मू तो आई थी मेरी भैन नेहा महाजन जी, जी साड़ी महिला मोर्चा की जनरल सैकटरी भी हैं और साढ़े इस कार्यक्रम की इंचार्ज भी हैं, बलोड़िया साहब, डिप्टी मेयर साहब और उनके कने साढ़े जोरावर सिंह साहब। तो जम्मू तो जी सारी टीम आई है, सारे को पहले तो मैं इनका स्वागत करा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के तुम देखा करते हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी उपर लोग कि विश्वास करते हैं, किन्ना उनका मान सम्मान करते हैं, किन्नी उनकी इज्जत करते हैं। एक छोटा जहा नमूना साढ़े भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वास्ते अज साढ़े कार्यालय पुजन और अपनी मर्जी के लोग साढ़े को आए हैं। असें सिर्फ मीडिया के माध्यम के आह्वान किया हाँ अपने कार्यक्रम के माध्यम के कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के शामिल होना चाहता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी के शामिल होना चाहता, वो साढ़े दफ्तर 3 तरीक अज दे आले दिन पुजे। और मैं दिखा करना कि तुम भी सारे लोग दिखा करते हो, मी लगता नहीं है कि बार भी कोई जगह रेदी होग। लगभग हज़ारों लोग साढ़े भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पुजन, अज इन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन साढ़े कने पार्टी कने शामिल होए न। मैं अपनी तरफों इन्हें की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं दिना और ये आशा करगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जोड़ा कार्यकर्ता है वो एक परिवार वास्ते काम करता, एक परिवार रूपी जी भारतीय जनता पार्टी जी पार्टी है जिसी असी अपनी मां मनने वास्ते काम करते हैं और इस एक सदस्य के रूप कने अस हर एक कार्यकर्ता जो सा भारतीय जनता पार्टी का वो काम करता है। अस ये अपेक्षा इनके सारे को करने जियां एक परिवार वास्ते एक सदस्य काम करता है, इं के सारे भारतीय जनता पार्टी रूपी साढ़े परिवार वास्ते एक सदस्य के रूप के पिछे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वास्ते, भारतीय जनता पार्टी की और ज़्यादा मजबूती वास्ते और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय वास्ते अस सारे हिंदुस्तानी लोग और भारतीय जनता पार्टी के मजबूती वास्ते चाहते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस बारी एक बारी और तीजी बारी असं प्रधानमंत्री सारे लोग बनाना चाहते हैं। तो कुते ना कुते अज कठुए के लोगों भारतीय जनता पार्टी उपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपर विश्वास करते हुए अज पार्टी कार्यालय के भारतीय जनता पार्टी के शामिल होए न। और मेरी पूरी अपेक्षा है कि अस सारे मिलिए जिन्हें भी साढ़े अज नवे साथी भारतीय जनता पार्टी के बीच आए ना, अस सारे मिलिए इस कठुए जिले की और ज़्यादा मजबूती देंगे और संगठित रूप करने प्रयास करके और एक दूजे के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की मजबूती वास्ते काम करके और आने वाले समय के जोड़े चुनावी जरा समय है आदरणीय साढ़े बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने गलाया कि चुनाव जड़े हैं वो 2-3 महीने बाद जिस वेले भी होन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जड़ा है 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 24x7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये अज जड़े नवे कार्यकर्ता ये सारे उसी प्रकार काम करेंगे और आने वाले समय में कठुए जियां असें जिन्नी बारी भी चुनाव होया, भाए वह असैंबली का चुनाव होया, भाए वह लोकसभा का चुनाव होया, भाए वह DDC का चुनाव होया, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होया, पंचायतों का चुनाव होया, हर वेले भारतीय जनता पार्टी कठुए जिले के अंदर हमेशा परचम लहराती रही है और अज एक इस नवी शक्ति कन्नै अस आने वाले समय वास्ते अंदाजा लाई सकने हैं क्योंकि आने वाले समय वास्ते जिस वेले भी चुनाव होग भारतीय जनता पार्टी का परचम कठुआ जिला को हमेशा शुरुआत होंगी है। मनकोटिया साहब ने हमेशा आख्या और इस शुरुआत को कुते ना कुते अज पूरे प्रदेश के जी सुनामी जी आदरणीय मनकोटिया साहब ने आखी है भारतीय जनता पार्टी के कने सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जी गरंटी है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपर लोग विश्वास करते हैं, उनकी क्या गरंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक लोगों पर चलती है और लोग उनके पर विश्वास करते हैं। और मैं आने वाले समय वास्ते भी मीडिया के माध्यम कने तुहानू सारे की जिन्हें भी लोग मेरी आवाज़ सुना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मजबूती प्रदान करने वास्ते अपना सहयोग करो, अपना आशीर्वाद दो और स्पैशली माता भैन जिहड़ियां बड़ी संख्या के इत्थे आए हैं और ST के कार्यकर्ता, मिनार्टी के कार्यकर्ता, SC समाज के लगभग सारे वर्ग के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के शामिल होए। मैं अपनी तरफों और अपनी पूरी टीम की तरफों तुहाडा सारे का इंदा मता मता धन्यवाद करना और आभार व्यक्त करना और आशा करना अस मिलिए कठुए जिले की और मजबूती प्रदान करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का कार्यक्रम हमारा जॉइनिंग का कार्यक्रम था। हमारी स्टेट ने एक टीम गठित की है जिसमें मैं हूं, मनकोटिया साहब इंचार्ज हैं, नेहा महाजन जी हैं, अल्ताफ ठाकुर जी हैं। तो ये एक टीम गठित की थी जॉइनिंग के लिए। साथियों, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो स्कीम्स हैं, वो देख के लोगों का सैलाब आ गया है। मनकोटिया साहब ने ठीक कहा, सैलाब नहीं है, सुनामी है। तो उसी के तहत आज हम यहाँ जॉइनिंग के लिए आए थे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, यहाँ हमारे गोपाल जी जिला अध्यक्ष हैं जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ, डोगरा साहब हैं, विनोद जी हैं,
अक्षय जी हैं, जितने भी यहाँ मेंबर हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया था, जैनी का हमारे साथ जम्मू से भी आए हैं हमारे एक्स ब्लोरिया साहब और हमारे जम्मू टीम के जोरावर साहब, ये हमारे साथ आए हैं। साथियों, आज आप देख रहे हैं किस तरह से सैलाब आया है जैनी के लिए। मैं 23 तारीख को गया था मनकोटिया साहब के साथ, कश्मीर में गया था, और आप हैरान होंगे कि 500 की तादाद में लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया, 500 की तादाद में। इस तरह से सुनामी आ रही है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। साथियों, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आप आगे देखेंगे जो हमारा लक्ष्य था 400 पार, मुझे लगता है 400 पार नहीं, जिस तरह से मैं इस जैनी कमेटी का एक मेंबर हूं, मैं देख रहा हूं 400 नहीं, ये 450 पार होगा। थैंक यू वेरी